राजनगरी आगरा में 16 दिवसीय श्री शांतिनाथ विधान का आयोजन चल रहा है। विधान के चौथे दिन 23 मई को श्री 1008 धर्मनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण का दिवस मनाया गया। ताजनगरी आगरा के मारुति स्टेट स्थित कला कुंज के श्री दिगंबर जैन मंदिर में 16 दिवसीय श्री शांतिनाथ विधान का आयोजन चल रहा है। विधान के चौथे दिन 23 मई को श्रावक श्राविकाओं ने मंडल पर 120 अर्घ्य अर्पित किए। विधान की इस श्रृंखला में श्री 1008 धर्मनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस मनाया गया और प्रभु को निर्वाण लाड़ू अर्पित किया। विधान में उपस्थित सभी भक्तों ने पूर्ण भक्ति भाव के साथ प्रभु के भजन गाए और भक्ति नृत्य किया। श्री शांतिनाथ विधान में भक्तों को विधानाचार्य श्री नीरज भैया जी का कुशल निर्देशन मिला। इस अवसर पर कमेटी अध्यक्ष एवं बाल ब्रह्मचारी नीरज भैया जी ने भी अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज बड़ी सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे धन नाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस मना रहे हैं और यहाँ पर 16 दिवसीय विधान शांतिनाथ विधान भी चल रहा है। वो हम सब शैलियों के मिल करके सब मारुति स्टेट कला कुंज में श्री दिगंबर जैन महावीर स्वामी जिनचातालय में 16 दिवसीय शांतिनाथ विधान ये अनवरत रूप से चल रहे हैं। आज भगवान धर्मनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याण अकबर धूमधाम के साथ वात्सल्य सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर निर्माण लाड़ू समर्पित किया गया। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, भाग लिया और भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वात्सल्य सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती रश्मि जैन ने विधान के बारे में जानकारी दी। शांतनाथ भगवान को मैं नमस्कार करती, कोट कोट वंदन करती हूँ। साथ ही आज वात्सल्य सेवा समिति के तत्वावधान में हमने धर्मनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक लाड़ू चढ़ाया और जो धर्मनाथ भगवान ने भी चार अगातिया कर्मों का नाश किया और 12 भावना भाई 16 कारण ध्याय रत्नत्रय को धारण किया और उन्होंने योग निरोध धारण करके इसी सिद्ध से क्षेत्र से सुदत्तवर कोट से मोच गए। ऐसे धर्मनाथ भगवान को मैं कोटि कोट नमन करती हूँ, कोटि कोट नमस्कार करती हूँ। शांति विधान इसलिए है कि ये 16 दिन का पखवाड़ा चल रहा है आजकल और यही भावना बातें हैं कि हर जगह विश्व में शांति बनाए रखें और आज के दिन धर्मनाथ भगवान ने हमारे ने मोक्ष कल्याण प्राप्त किया था। हम यही भावना बातें हैं, हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चढ़कर हम भी मोक्ष को प्राप्ति हो और यही धर्मभावना। इस मौके पर जैन समाज के कई गणमान्य धर्म बंधु मौजूद रहे। भक्तों के भाव भी प्रभु के प्रति देखते ही बन रहे थे। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से शुभम जैन की रिपोर्ट।